आप लोग अपने चश्मे को इस तरीके से कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्लीन योर आई ग्लासेस एट होम विदाउट स्क्रेचिंग देयर ग्लासेस और ब्रेकेजिंग देम। अब बिना चश्मे को टूटे फूटे किस तरीके से आपको चश्मा साफ करना है, इसकी 5 प्रो टेक्निक्स या फिर कह लीजिए ट्रिक्स देने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है यश राठौर और आप लोग देख रहे हैं चश्मा पॉइंट। तो आइए चश्मा पॉइंट फैमिली, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस ट्रिक के ऊपर चलते हैं। ऑलवेज यूज माइक्रोफाइबर क्लॉथ, मतलब कि आपको जब भी अपने चश्मे को साफ करना है तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है। आप में से बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि भैया जब भी अपने चश्मे को साफ करते हैं तो बहुत सी बार अपने टी शर्ट से साफ कर लेते हैं या टॉवल से साफ कर लेते हैं या किसी भी इधर उधर के कपड़े से चश्मे को के ग्लासेस को साफ करते हैं, जिसके कारण से उन पर बहुत ज्यादा स्क्रेचेस आ जाते हैं और वो लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो आपको मैं यही टेक्निक बताता हूँ, ऑलवेज यूज माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अभी माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक ऐसा क्लॉथ होता है जो कि स्पेशली इस टाइप से डिजाइन होता है जिससे कि आपके चश्मे के ऊपर जो भी धूल डस्ट वगैरह होती है वो बढ़िया तरीके से क्लीन हो सके और जितने भी आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लग जाते हैं उसको पूरी तरह से हटा देता है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये एक ऐसा क्वालिटी का क्लॉथ होता है जो कि आपको किसी भी नियर ऑप्टिकल शॉप पर मिल जाएगा या फिर जब आप चश्मा खरीदते हैं जब भी आपको किसी को भी ऑप्टिशियन आपके चश्मे के साथ एकदम फ्री देता है, तो उससे ही हमें हमेशा अपने चश्मे को साफ करें। अब अदरवाइज टिप नंबर सेकंड, ऑलवेज यूज लेंस क्लीनर और वाटर। मतलब कि अगर आप लोग जब भी चश्मे को साफ करते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल किसी भी कपड़े से या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एकदम ऐसे ही साफ कर लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग अपने चश्मे के ग्लासेस को साफ करें तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, या तो आपके पास ये इस टाइप से लेंस क्लीनर होना चाहिए जिससे कि धूल डस्ट फिंगरप्रिंट जो भी आपके चश्मे के ग्लासेस पे वो बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगी, या फिर आपके पास इस तरीके से घर पे नॉर्मल पानी होगा उससे भी आप लोग अपने चश्मे के ग्लासेस को साफ कर सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलेंगे ये लेंस क्लीनर कहाँ पे मिलता है, तो ये भी आपके आसपास किसी भी नियर बाई ऑप्टिकल शॉप पे मिल जाएगा जो कि 20-25-30 रुपए से चालू होकर 100-150 रुपए तक के लेंस क्लीनर आते हैं। वो आपके ऊपर आपको कौन सा क्या खरीदना है, तो हमेशा अपने चश्मे को लेंस क्लीनर से ही साफ करें। टिप नंबर थर्ड, अब टिप नंबर थर्ड में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने चश्मे के ग्लासेस को साफ करना चाहिए। तो आपको ये लेंस क्लीनर मिलता है, इससे आपको हल्का सा जेंटली दो बार आगे और दो बार पीछे इस तरीके से स्प्रे को मारना रहता है, या फिर आप नॉर्मल वाटर को मार सकते हैं। उसके बाद आपको ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है जैसे कि मैंने आपको पहले टेक्निक में बताया, उसके बाद इसको हल्की सी जेंटली राउंड एंड राउंड करके क्लीन करना है, जिससे आप लोग इसे राउंड एंड राउंड मोशन में, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे साफ करते हैं, ऐसे कभी भी चश्मा साफ नहीं होता है। आपको सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथ से इसको क्लीन करना है जिससे कि ये एकदम परफेक्टली क्लीन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये पूरा चश्मा जो है वो साफ हो जाता है। तो टिप फोर्थ, आपको ये डोंट यूज डिटर्जेंट और डिश वॉश। मतलब बहुत से वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखी कि हाउ टू क्लीन योर आई ग्लासेस एट होम, तो बहुत से लोग बताए हैं कि भैया डिटर्जेंट से साफ कर लीजिए या फिर वॉशिंग पाउडर निरमा डाल दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो डिटर्जेंट्स रहते हैं ना इसमें बहुत से हार्मफुल केमिकल रहते हैं जो कि आपकी चश्मे की लेंसेज पे जो कोटिंग रहती है उसे हार्म कर सकते हैं या फिर उसे खराब कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ इस पर सलाह देना चाहूँगा, एक जनाब हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि भैया मैंने तो चश्मा जब गंदा हो गया तो मैंने पीतांबर से मार दिया, तो देखो मेरे चश्मे के ग्लासेस पे स्क्रैच कितने आ गए, तुमने किस चश्मा बनाया। तो मैंने बोला भैया ऐसा नहीं होता, पीतांबरी चश्मे को मारने के लिए नहीं बल्कि भगवान को नहलाने के लिए होती है। तो आप लोग ये गलती ना करें, अपने चश्मे पर कभी भी डिटर्जेंट वगैरह ना लगाएं। डोंट पुट योर ग्लासेस रॉन्गली, मतलब कि बहुत से लोग क्या करते हैं जब उनका चश्मा पहन लेते हैं, मतलब कि जब सोने का समय आता है तो इस तरीके से चश्मे को उतार के इसे रख देते हैं। कभी भी आपको इस गलती को नहीं दोहराना है, अपने चश्मे को कभी भी इस तरीके से उल्टा नहीं रखना है, हमेशा चश्मे को इस तरीके से सीधा पोजीशन में ही रखना है। जब आपका काम हो जाए उसका निकाल के हमेशा इस तरीके से सीधे पोजीशन में ही रख दीजिए, जिससे कि आपका चश्मा लंबे समय तक सालों साल तक चलेगा, उसमें ना स्क्रेचेस आएंगे ना उसके ग्लासेस धुंधले होंगे। बहुत से लोग का ये सवाल क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी ले लेते हैं, ये जो हमें चश्मे की ग्लासेस पे जो स्क्रेचेस आ जाते हैं क्या वो भी क्लीन हो सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल नहीं क्लीन हो सकते। कोई भी आपका ऑप्टिशियन आपको बोले कि भैया मैं आपकी चश्मे की ग्लासेस पे जो स्क्रेचेस आ गए हैं इसे क्लीन करके दिखा दूंगा, आप मुझे ये दीजिए मैं आपको ये करवा दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी चश्मे की ग्लासेस पर आगे कोई भी स्क्रेचेस आपको दिख रहा है तो कभी क्लीन नहीं हो सकते हैं, आपको चश्मे के ग्लासेस चेंजेस ही करवाने होंगे। चश्मे की ग्लासेस के बारे में तो आपने बता दिया यश भाई, अब बताइए कि चश्मे की फ्रेम को कैसे साफ करना चाहिए, तो वो भी बता देता हूँ। उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर ले लीजिए या फिर जैसा कि मैंने बताया आपने स्प्रे खरीद रखा होगा उसे ले लीजिए, उस तरीके से चारों तरफ इस फ्रेम पर मार दीजिए और हल्का सा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इसे हल्के हल्के हाथों से जेंटली, बहुत से लोग क्या करते हैं भाई इतनी तेजी से चश्मा साफ करते हैं कि इतनी बार नोज पे भी हाथ में आ जाती है, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हो सकता है जहाँ तक वहाँ से इसे हल्के हल्के हाथ से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से एकदम अच्छी तरीके से, या तो आप लेंस क्लीनर से
भी क्लीन कर सकते हैं चश्मे की फ्रेम, या आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि हल्के हल्के हाथ से आपको करना है, जिससे कि चश्मे की बैलेंसिंग ना बिगड़े, वो सेटिंग वेटिंग ना बिगड़े, चश्मा आड़ टेढ़ा ना हो। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिखा होगा, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता है पर हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं लाखों रुपये कमाता हूँ? कोई लाखों रुपये नहीं कमाता हूँ, बस इसीलिए इस तरीके के कंटेंट चश्मों संबंधी बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। जब मेरे पास कमेंट आता है थैंक यू सो मच सर आपकी इस वीडियो से इतनी हेल्प हुई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बस इसलिए आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि हाउ टू क्लीन आवर नोजपैड ऑफ आई ग्लासेस, मतलब चश्मे में ये जो नोजपैड है इसे किस तरीके से साफ किया जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को इसको साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग किसी भी नियर बाई ऑप्टिकल शॉप पर जाइए, वहाँ पर जाके इसे 20-30 रुपए की आती है, इसे पूरी चेंज करवा सकते हैं, मतलब पूरी नई डलवा सकते हैं। इसका चेंज करने का ऑप्शन रहता है, आप किसी भी नियर बाई ऑप्टिकल शॉप पर जाइए, वहाँ पर आप जाके चेंज करवा लीजिए, आपकी क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो क्लीन होगी भी नहीं। तो फिर मन में होगा कि हमें चश्मे के लिए क्या लेंस क्लीनर खरीदना ही होगा या नॉर्मल वाटर से भी काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग का भी चश्मा ज़्यादा महंगा है, मतलब कि 1000-2000 रुपये के चश्मे हैं, वो उससे भी ज़्यादा के चश्मे लोगों के रहते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 100-150 रुपये इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा सा लेंस क्लीनर लीजिए। लेंस क्लीनर से चश्मे के ग्लासेस साफ करने से क्या होता है, जब भी आप लोग अपने चश्मे को बहुत से लोग ऐसे पकड़ते हैं तो उस पर फिंगरप्रिंट आ जाती है, उस पर धूल डस्ट जम जाती है, उस पर आपने देखा होगा कि चश्मे की ग्लासेस बहुत सी बार ऑयल ऑयल जम जाता है। तो इस लेंस क्लीनर से यही होता है कि ऑयल डस्ट धूल वगैरह बहुत ही आसान तरीके से रिमूव हो जाती है, वहीं पर पानी से भी हो जाती है, पर पानी से बहुत सी बार आपने देखा होगा कि चश्मे की ग्लासेस पर ऑयल रह जाता है, और इस लेंस क्लीनर से बढ़िया तरीके से चश्मे की ग्लासेस पर जो ऑयल है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए आपको बस ये लेंस क्लीनर खरीदना चाहिए, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपका चश्मा ज़्यादा महंगा है तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोग लेंस क्लीनर खरीद सकते हैं, वो सस्ता चश्मा है तो पानी से भी साफ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके जाइए। इस वीडियो को लाइक ही रखते हैं केवल 100 लाइक्स, जो कि आप पूरे करवा ही देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भारत।